इतना बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को खाने के ने कि आज मैंने पहली दफे ये चीज खाया है। ये भैया लोग कितना खाते हैं, इनका खाना जाता कहाँ पे है? ये आज चलो ये कृष्णा भैया इसे पूछ। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा, मैं विनय, मैं भैया राव चिंदिया। और फ्रेंड्स ये हमारे शिवांग त्रिपाठी और जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और वो हमको यहीं पे मिले हैं, मतलब स्ट्रीट पर ही मिले हैं और हमसे हमको मिल गया, मुझसे काफ़ी खुशी है क्योंकि वो भी हमसे ज़्यादा खुश तो वो हो रहे थे हमको देख के। देखो कृष्णा विनय को मतलब ब्लॉग्स की वीडियो बनाते हैं हमारे ब्लॉग्स के चैनल को और जो हमारा कॉम्पिटिशन वाला चैनल है उसको काफ़ी देखते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। तो इनकी जिद रही कि मेरे साथ एक वीडियो बनाओ और मैं आपको एक फेमस जगह पर ले चलता हूँ। तो ये मुझको कहाँ पर ले गए हैं, जिसे आप देखो पिज्ज़ा किचन, पीछे पिज्ज़ा किचन शॉप है, तो वहाँ पे पिज्ज़ा विज्जा मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे टेस्ट है उसका। हेलो भैया, पिज्ज़ा हेलो हेलो, दिस इज़ ये पिज़्ज़ा किचन है, यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया है, यहाँ का डबल चीज़ पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा तो सबसे बड़ी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा है। तो फ्रेंड्स इनकी जिद है कि यहाँ से हम पिज़्ज़ा खिलाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं यहाँ का पिज़्ज़ा किचन का आपको पिज़्ज़ा का रिव्यू देने वाला हूँ और अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आप ज़रूर खाना है पिज़्ज़ा किचन से क्योंकि काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए देर न करते हुए आपको टेस्टी जैसी पिज्जा खिलाते हैं और उसका टेस्टी सा रिव्यू दे दें प्यारे से बच्चे के साथ। वो सबसे पहले अपना मैं चाहता हूँ वो अपना ऑर्डर दें, वो कौन सा पिज्जा यहाँ से खाना पसंद करते हैं क्योंकि हम उन्हीं की चॉइस का खाने वाले हैं क्योंकि वो काफ़ी कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं यहाँ से ये वाला पिज्जा खाता हूँ। कौन सा मंगाने वाला है? ये क्लासिक टोमेटो पिज्ज़ा। हाँ क्लासिक टोमेटो पिज्ज़ा मंगाने वाले हैं वो। और बिना ये आप कौन सा लोगे? मैं तो कोई सा भी खाऊंगा जो मिल जाए। अरे तो फ्रेंड्स मैं छोटे से पूछूंगा कि वो यहाँ पे झांसी में कहाँ रहते हैं और वो किसके ऊपर मतलब स्टडी में क्या कर रहे हैं तो वो बताएंगे अपने आने थोड़ा। तो फ्रेंड्स हमें काफ़ी खुशी हुई और हमें काफ़ी बच्चे मिलते हैं रोडों पर, बच्चे हो गए या फिर बड़े हो गए, काफ़ी लोग मिलते हैं और कहते हैं अरे भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हमें कभी भी बाहर टूर पर जाओ तो काफ़ी लोग हमसे मिलने की कोई रिक्वेस्ट करते हैं और काफ़ी लोग मिलते भी हैं, जब हमको अचानक मिलते हैं तो उसमें अलग ही खुशी होती है, हमको अलग ही मज़े आते हैं और जो हमसे मिलते हैं उनको भी हमसे मिल के काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही हमको मिले यहाँ पर और हमको काफ़ी खुशी हुई तो बिना ही बहुत अच्छा लगा, छोटी बड़ा क्यूट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अभी देखना खाने दो खाने को। तो फ्रेंड ये हमने जो भी यहाँ से ऑर्डर दिया था वो हमारे पास आ चुका है, एक ऑर्डर तो हमारे पास कुछ ऑफर में था यहाँ पे जिसमें से कि हमारे पास दो पिज्ज़ा हैं और एक गार्लिक ब्रेड है और दो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये तो कॉर्न वाला पिज्ज़ा है और ये शिमला मिर्च वाला और ये छोटू का फेवरेट और छोटू ने टमाटो किया था और जो टमाटो वाला है इसका 149, जो ऑफर वाला था वो 379 का हमको पड़ा। और मैं तो कह रहा हूँ बकबक ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, पहले आपको खा के टेस्ट बचाना है क्योंकि गर्म गर्म आए एसी के बाद सीधे पिज्ज़ा पे पड़ रही है ठंडे हो जाए क्योंकि ठंडा खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई तो स्टार्ट कर दे जल्दी जो भी होगा बाद में होगा, सब एक एक पिज़्ज़ा था। और ये चीज एकदम वन क्वालिटी है एकदम। अंकल जी, अंकल जी ये आपके दांत के हिसाब से एकदम बेस्ट है क्योंकि अंकल जी के दांत नहीं है लेकिन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही अंकल जी को, मस्त तरीके से खाओगे पूरा पीस उठाओ
और फ्रेंड ये पिज्जास हैं जो कि रेगुलर साइज है पिज्जास का, इसको भी ट्राई करना कोई, अच्छा लग रहा है, भी ट्राई की है, बढ़िया लग क्योंकि हम पहले चैलेंज वैलेंज हुआ था तो उसमें हमारा पिज्जा बोलते बोलते काफ़ी ठंडा हो जाता था तो हमको मज़ा नहीं आता था, लेकिन मैं नहीं चाहता यहाँ पर भी ठंडा हो जाए और जो पिज्जा का मज़ा मेन मज़ा होता है वो ना ले पाए हम। आपको कैसा लगा पिज्जा संजय जी? मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें से ट्राई करना, ये तो खाए जाऊंगा कपा कप। काफी टेस्टी है, टोमेटो वाला कैसे खुलती है? क्या मेन चीज अच्छा है? सही है आपने, टोमेटो के स्लाइसेस और वेरी मेरे बारे में ढेर सारी चीज़ है। इसमें चलो अंकल जी, शिमला मिर्च का डब बनता है अंकल जी, ये भी खा के ट्राई करें। दो मिनट को फैल गया भाई, दो मिनट का इतना अच्छा डोमिनोज से अच्छा पिज्जा। और यहाँ के जो पिज्जा है उनका टेस्ट एकदम बेस्ट है। आप ये स्ट्रॉबेरी डाल देंगे हम लोग इतना बढ़िया मजा आ रहा है मेरे को खाने के ने कि आज मैंने पहली दफे ये चीज़ खाया है, मज़ा आ गया क्या? पहले दफे मैं पिज्ज़ा खाया ये, अब इसको खाते ही रहूँगा मैं, खाने में बड़ा स्वाद आ रहा है। और जो मेरे को मिली है इनसे ही बड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप जरा चेक करें। हेलो भैया, हेलो फ्रेंड्स, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं भाई कृष्णा भैया, विनय भैया और मैं अपने खास अपने सीनियर मिस्टर उनके साथ मिस्टर सिंधिया के साथ मिला हूँ। ये अपने बुजुर्ग हैं, इन्हें अगर कह दिया ये चीज़ बेटर है तो ये चीज़ बेटर रहेगी रहेगी, क्यों विनय भैया? गुड, वेरी गुड, सही कहा। आप कहोगे जो पत्थर की लकीर होगी, हाँ आप जो कहोगे वो पत्थर की लकीर होगी, आप कहोगे ये चीज़ पास तो पास और फेल तो फेल। लेकिन अंकल आप तो सीनियर हैं, आप जो कहोगे वो है। हाँ तो मैं जो कह रहा हूँ ना जी, तो पास हो गया मेरा काम। देखो इतनी बढ़िया चीज़ खाने को मिली है, कुछ पूछो नहीं, ऐसा लग रहा है खाते ही चले जाओ। हाँ सुमित जी, देखा पहले मैं ही चेक कर देता हूँ ना जी। तो फ्रेंड्स हमें काफ़ी खुशी हुई जो छोटू हमें मिला और ये हमको इस शॉप पे ले गया, और इस शॉप के पिज्ज़ा है वो एक बागी में काफ़ी मज़ेदार और टेस्टी है, और इनकी क्रस्ट है वो एकदम अच्छी है, मतलब बेस्ट क्रस्ट है। और बात रही इसकी गार्लिक ब्रेड की, वो भी एकदम झकास निकली, बढ़िया तरह से सेकी हुई है ओवन में, जो उसमें भी सेके जाते इसको, और देखा तो मज़े आ गए। और बेजरा सिंधिया जी ने पिज्ज़ा पहले बार खाया, मैं आपको बता दूं ये सब पहली बार खा रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं खाया उनने, कभी नहीं खाया, आज पहली दफा खाया है मैंने। और बेजरा सिंधिया हमारे साथ रहेंगे तो आप सोच ही सकते हो क्या क्या खाने वाले हैं, तो आनंद आ गया मेरे खाने में। जो मतलब कोई बुजुर्ग आदमी हो, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, मतलब आपको टिप्पणी करना चाहता हूँ, टिप्पणी टाइप लीजिए साहब को, तो कोई बुज़ुर्ग आदमी हो उसने ज़िंदगी भर कुछ नहीं किया हो और एकदम उसे इतना कुछ करने के मिले, इतना कुछ करने के लिए मिले, तो आप सोच ही सकते हो उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशी हुई और कितना उत्साह से उसका वो अंदर का फीलिंग्स हैं वो एकदम भर जाती हैं। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अंकल जी को,
उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था हमसे, मतलब अपने आप से कि आगे चल के मुझे ये करने के लिए मिलने वाला है, इतनी जगह पर घूमना, ये टेस्टी टेस्टी खाना जो मैंने कभी नहीं खाया वो अब खा रहे हैं विजयराज सिंधिया जी। और वो आगे चल के और भी चीज़ें करने वाले हैं, जो उनके सपना रह चुका है उनके सपने सारे साकार होंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो आप भी सपोर्ट कीजिए इनको और हम तो सपोर्ट कर ही रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं और आपका भी पूरा सपोर्ट दीजिए विजयराज सिंधिया जी को, कि वो भी अपने जीवन के जितने भी वक्त है जो हर कोई चाहता है तो वो खुशी उनको मिले। अच्छा दिन आ और उनके भी अच्छे दिन आ जाए। इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। अब आगे सुमित भाई की बारी है, क्योंकि सुमित भाई बहुत देर से मुझसे पानी टपकाए जा रहे थे, क्योंकि ये टेस्टी टेस्टी पिज्जा खाए जा रहा है, मुझसे पूछ भी नहीं रहे। अब जरा से अब मिलेगा सुमित भाई को सब चीज़ मिलेगा, सबका टेस्ट मिलेगा, केरा टमाटो, मेरी गार्लिक ब्रेड और ये कॉर्न सब मिलेगा और ये कोल्ड ड्रिंक। अब सुमित भाई सोच रहे कहाँ से शुरुआत करूँ। हाँ ठंडा हो गया, एसी की हवा लग रही है। ये भैया लोग कितना खाते हैं, इनका खाना जाता कहाँ पे है? चलो ये कृष्णा भैया इसे पूछते हैं। कृष्णा भैया ये सब खाना आपका जाता कहाँ पे है? हमारे फ्रेंड्स देखा जाए तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो उनसे ये क्वेश्चन तो हमेशा होता ही होता है उनका हमारे लिए, क्योंकि भाई तुम इतना सारा खाना खाते हो ले कहाँ जाते हो, ना ही तुम मोटे होते हो मतलब मोटे तो होते नहीं हो, इतना खाते हो फिर भी मोटे नहीं, और मतलब सीधी बात है पूछते हैं पचा कैसे लेते हो इतना खाना, एडजस्ट कैसे कर लेते हो? तो फ्रेंड्स हम बता दें, हमने काफ़ी बार आपको बताया है हम काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत मतलब पसीना बहाना हमारा रोज़ का काम है, इतना पसीना कि हमारा शरीर तो मोटा तो कभी हो ही नहीं सकते, फिट रहते हैं। हमारी ऐसी है कि डबल पावर की मशीन है हमारी, बस हर चीज़ पचा जाएगी। तो राव सिंधिया का कहना है कि मशीन हमारी इतनी फुल पावर की है कि हम कितना भी खाया है सब पचा जाएगा, सब खाएंगे तो फ्रेंड्स सब पच जाएगा, सब पच जाएगा। हाँ छोटू मज़ा आया है? ये तो सही है। हाँ भाई, हाँ अंकल बहुत मजा आया आपके साथ, सबसे ज्यादा मजा आया। अच्छा, मेरे साथ सबसे ज्यादा आया। आप तो सीनियर भी हो लेकिन आप बहुत बड़े कॉमेडियन भी हो। ये सबसे देखिए, ये सबसे बड़े भुक्कर ये हमारे भैया बैठे, ये भैया तो ये तो भैया को छोड़ते नहीं है, देखो ये दही की भी साफ कर फ्रेंड्स। मैं कुछ नहीं छोड़ता आपको पता है, मैं प्लेट को धोने की जरूरत नहीं पड़ती आपको मैं खाता हूँ तो क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए कुछ भी हो चाहे वो। ये बात तो भैया सही है इतनी खामोशी क्यों है? तो फ्रेंड देखा है तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, अब वीडियो को चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे छोटू से मिल गए अच्छा लगा हो तो कमेंट सेशन में ढेर सारी कमेंट कर, छोटू मिल गए तो छोटू ही है ठीक है। तो फ्रेंड्स गोलू मोलू छोटू से आपको मिल गए अच्छा लगा हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें इसके लिए, और थोड़ी पिज्ज़ा जो पिज्ज़ा हमने खाए उनके ऊपर भी ढेर सारी कमेंट आने वाली मुझे लगता है, क्योंकि मज़े आगे खा के अब जो भी हो अब बिल फटेगा 500 के से ऊपर विनय भाई के ऊपर मुझे बहुत बेकार लगता है दिन बिल फटेगा भी 500 से ऊपर आप सोच ही सकते हो, सब देगा तो चलिए अब बिल मंगाते हैं और देखते हैं विनय भाई की क्या हालत होती है। भैया बिल लेने